हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, अवास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब देने आई हूं। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम नेम नंबर क्या है, नेम नंबर क्या है, और नेम क्या, हम जब नेम चेंज कराते हैं ना, तो क्या इसको हम बोलने वाला नाम को सही करें कि लिखने वाले नाम को सही करें। ऑल दो मैं इसके ऊपर बहुत इलैबोरेटिव एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, मतलब दोनों ही जगह लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज मैं एक बहुत शॉर्ट और बहुत छोटा सा इसका आंसर देने आई हूँ, वो ये है कि अगर आपका नाम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप इनमें से कुछ भी, तीनों चीजों में से कुछ भी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपका नाम ट्रैवल कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म्स है और आपका नाम लिखा जाता है इनके ऊपर, और आपका नाम ट्रैवल कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की नजरों में आ रहा है। तो आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपकी इमेज को बता रही है, आपकी जिंदगी को चैनलाइज कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। आप लोगों को नेम नंबर करेक्ट इसलिए कराना है क्योंकि आपका नाम लोग पढ़ रहे हैं रोजाना, डेली बेसिस पर। जितनी बार ना आपका नाम बोला नहीं जा रहा, आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई बार बार खोलकर नहीं देखता, ठीक है, लेकिन आपका नाम ट्रैवल होता है, आपका नाम ट्रैवल होता है थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और अगर आप यूज करते हैं तो आपके नाम की स्पेलिंग हद से ज्यादा रोल प्ले करती है आपके करियर में। कैसे, क्यों, किस लिए, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, लेकिन सिंपली इतना बोलूंगी कि पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था उनके नाम की स्पेलिंग, क्योंकि उनके नाम की स्पेलिंग लिखी हुई देखी जाती थी लोगों के द्वारा, जैसे कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में। इसी वजह से इन लोगों के नाम की स्पेलिंग ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अजय देवगन ने अपने नाम में से GN कर लिया, A हटा दिया बीच में से, पहले उसका नाम DEVGAN था, अब उसने DEVGN कर लिया। अपने आपने देखा होगा अजय देवगन फिल्म्स में डबल F आता है, तो ये जो क्या है, ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने नाम को मॉडिफाई किया। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने अपने नाम की स्पेलिंग को मॉडिफाई किया, बदलने का अंदाज, बोलने का अंदाज नहीं बदला। अब आप अजय देवगन फिल्म्स तो ही ना बोलते हो, आप अजय देवगन फिल्म्स ही बोलते हो, लेकिन वहां पर सिर्फ डबल F लिखा गया है, जस्ट टू चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ दैट नेम, क्योंकि जो नाम लिखा जा रहा है उसकी वाइब्रेशन होंगी ही होंगी, जो नाम लिखा जा रहा है और जो नाम लिख के पढ़ा जा रहा है, लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, उसकी वाइब्रेशंस होंगी ही होंगी, दैट इज फॉर द श्योर, ये शाश्वत सत्य है। उसी तरह से आज से 100 साल पहले लोगों का नाम, जैसे हम जैसे लोगों का नाम, जो आम लोग हैं, उनका नाम कहीं लिखा ही नहीं जाता था, डॉक्यूमेंट में लिखा गया, एक बंद हुआ, रखा गया, सालों साल किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो उस टाइम पर न्यूमरोलॉजी जरूरी नहीं थी, उस टाइम पर नेम नंबर जरूरी नहीं था। लेकिन आज की डेट में हर कोई आपका नाम पढ़ रहा है यार, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपका नाम इस वजह से आपको इतना इम्पैक्ट कर रहा है, आपका नाम इस वजह से आपकी ग्रोथ में इतना ज्यादा भागीदार है आज की डेट में। और मैं फिर बोलूंगी, आप कुछ करें ना करें, लेकिन ये जो मैंने वीडियो का लिंक आई बटन पे दिया हुआ है ना, इसको जरूर देखना, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ी लंबी है, लेकिन इस अपनी लाइफ में से अगर आप 15 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लोगे ना, यू विल, मतलब आपके जो नेम नंबर की कंफ्यूजन है ना, वो एकदम खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, तो वो आप जरूर देखना। और दूसरी चीज मैं फिर बोलूंगी, नेम नंबर बुलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाम की स्पेलिंग, क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग आज की डेट में आपके नाम की स्पेलिंग ट्रैवल करती है, ठीक है। तो बस चलिए, आप ये वीडियो देखिए जो आई बटन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।